वहीं दूसरी ओर सुपेला रेलवे फाटक पर बनने वाले अंडर ब्रिज का बुधवार को एक बार पुनः रेलवे के अधिकारियों ने सर्वे किया और दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों को होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर रोड, रिम रास्ते एवं स्थल को नापा गया। सुपेला रेलवे फाटक पर बनने वाले अंडर ब्रिज में हो रही अनियमितता को लेकर दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों ने धरना दिया हुआ है और यहां कई बार रेलवे के अधिकारी सहित पीडब्ल्यूडी विभाग एवं जिला कलेक्टर ने दौरा कर यहां की विषम परिस्थितियों को समझा है और अब एक बार फिर सुपेला रेलवे फाटक पर बनने वाले अंडर ब्रिज का नापजोक नए सिरे से रेलवे के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिससे दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों को इंसाफ मिलने की आस बन गई है। बुधवार को एक बार पुनः रेलवे प्रशासन की टीम ने नए सिरे से बनने वाले अंडर ब्रिज की नपाई की और इस रिपोर्ट को रेलवे प्रशासन को सौंपने की बातें व्यापारियों से कही। व्यापारियों ने भी इस सर्वे कार्य में अपना पूरा सहयोग दिया और रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बार पुनः नाप जोक का कार्य संपूर्ण किया, परंतु अभी उनका कहना है कि जब तक उन्हें लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिल जाएगा उनका धरना जारी रहेगा। आज जो है रेलवे के इंजीनियर अरुण चौधरी जी आए थे, नगर निगम से एक दो अधिकारी आए थे, तो आज फिर से जो है दक्षिण गंगोत्री मार्केट के शटर से लेकर आकाश गंगा के मार्केट के शटर जो कि आयुक्त और कलेक्टर महोदय ने जैसा आदेश दिया था उसके हिसाब से आज पूरा नापजोक यहां से लेकर 180 मीटर तक हुआ है रेलवे ट्रैक से। आज इस सब चीजों को हमारे सामने एकदम नापा गया है, वो लोग भी अपने पेपर पे लिखे हैं, हम भी उनके नापने में साथ रहे और पूरा लिखे हैं। इसके बाद की कार्रवाई जब हमने उनसे पूछा तो बोले कि इसको पूरा जो है हम लोग नगर निगम और रेलवे से मिल के एक बार पूरा इसको बना के और कलेक्टर महोदय के सामने आपके रख देंगे। रखने के बाद फिर कलेक्टर महोदय और नगर निगम से जो भी अधिकारी आएंगे एकदम ट्रांसपेरेंट होकर उसके हिसाब से काम किया जाएगा। अभी तक तो देखिए जो चल रहा है उसके हिसाब से तो हमें लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमें कोई भी लिखित चीज नहीं मिली है। जब तक लिखित नहीं मिलेगा या जब तक प्रॉपर हमको एक लिखित नहीं मिलेगा कि हाँ ये काम ऐसे हो रहा है, अभी तक तो होता हुआ दिख रहा है लेकिन उसका एक लिखित पूरा ये रहना चाहिए कि हाँ ये जो आज जो नाप जो हुआ है वो क्या प्रॉपर इसी वे में आगे होगा या कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग पलट हो जाएगा। मतलब आपका जो ये धरना प्रदर्शन है तब तक जारी रहेगा? क्या भी जारी रहेगा, जब तक हमको लिखित नहीं मिलेगा, जब तक हमको प्रॉपर वे में पूरा एकदम प्रूफ नहीं हो जाएगा कि हाँ अब हमारे हिसाब से काम हो रहा है, तब तक ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन कर इस अंडर ब्रिज के बनने से अपने व्यापार खत्म होने की बातें शासन प्रशासन तक पहुंचाई जा रही हैं, साथ ही अपने व्यवसाय बचाने के लिए उपयुक्त सलाह मशवरा भी दिया जा रहा है। देखना होगा कि सुपेला रेलवे फाटक पर बनने वाला अंडर ब्रिज क्या दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों के व्यापार को समाप्त कर देता है या शासन प्रशासन मिलकर बनने वाले अंडर ब्रिज में फेरबदल करके इनके व्यापार को जिंदा रखने में सफल हो पाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।